हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरके शुक्ला सर चैनल। इस वीडियो का बनाने का मेरा केवल एक मेन पर्पस था कि ये जैसे पूरा वीडियो हमने आप लोगों का चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ जो है चैप्टर आपका हमारे नोट्स में होगा, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस वाइज। आप लोग अपनी तैयारी सिलेबस के ही अनुसार करिए, सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उसको आप लोग जो है तैयार करिए। तो जैसे कि आपका सिलेबस में जो पहला पेपर है उसका नाम है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल एनालिसिस। इस सिलेबस में पहला चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट पे हमारे दो वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। तो टेम्परेचर में पहले तो आप सिलेबस के अनुसार ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका जैसे मैनोमीटर है या आपका मरकरी थर्मामीटर है, तो ये पूछ सकता है कि ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट वाले में आपका मरकरी थर्मामीटर है, बायोमेटेलिक थर्मामीटर है, प्रेशर स्प्रिंग थर्मामीटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर है ना, और पायरोमीटर है। तो इन सबको पढ़ने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि जैसे पायरोमीटर है तो पायरोमीटर क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन आपके एलिमेंट हैं कि पायरोमीटर बनता कैसे है, कहाँ तक इसका रेंज है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रेशर मेजरमेंट है। तो प्रेशर मेजरमेंट में आपका बर्डन प्रेशर गेज है, ठीक है, बर्डन प्रेशर गेज है, और आपका मैनोमीटर है, बैरोमीटर है। अब बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक है। मैकार्ड प्रेशर गेज है, त्रियोनी प्रेशर गेज है। तो इन सब पे आप उसका जो मेन पर्पज है, जैसे त्रियोनी गेज है तो उसका मेन पर्पज किस लिए यूज होता है, और या इसके जो एलिमेंट हैं या किससे तैयार होता है, कहाँ तक इसका रेंज है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका लिक्विड लेवल है। तो लिक्विड लेवल में कुछ डायरेक्ट लिक्विड लेवल मेजरमेंट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट में कौन कौन से है, ठीक है, फ्लोट टाइप लिक्विड लेवल गेज है, ये सब डायरेक्ट है, अल्ट्रासोनिक है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या मेन प्रिंसिपल है और ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे पूछ ले कि अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल किस पर्पज से यूज होता है, क्या चीज़ मेजरमेंट करता है, तो ये सिर्फ को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर डेंसिटी मेजरमेंट है। तो डेंसिटी मेजरमेंट का स्केल क्या है, ठीक है, कई स्केल हैं, एपीआई स्केल हैं, ठीक है, हाइड्रोमीटर है, और भी उसमें हमने आपको नोट्स में लिखाया होगा, तो उस सब का आप लोग देख लीजिएगा कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है और कौन कौन सा एलिमेंट है और किस लिए यूज होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, विस्कोसिटी मेजरमेंट, डेंसिटी मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट या प्रेशर मेजरमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा कि डेंसिटी मेजरमेंट, ठीक है। इसी तरीके से विस्कोसिटी मेजरमेंट पे हमने थ्योरी में भी पढ़ाया है, मेरे नोट्स में भी होगा, और उस पर एक वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए हमने दो वीडियो बनाया है जो डाटा एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस के नाम से है, और उसको जो है हम अपने नोट्स में भी पूरी तरीके से पढ़ाए हुए हैं। आप लोग नोट्स की हेल्प लेकर के और जो दोनों वीडियो हैं उनका हेल्प लेकर के इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीसेशन का क्या फार्मूला है, कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पूछ सकता है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ये सब आप लोग इसमें ध्यान रख करके पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है। इस वाले पार्ट में फोर पार्ट है। पहला है आपका कंडक्टेंस, दूसरा है पीएच, और तीसरा है अल्ट्रावायलेट
और पांचवा जो मतलब चौथा जो पार्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो जो कंडक्टेंस वाला पार्ट है उस पर हमने, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक में फोर पार्ट है, पहला कंडक्टेंस, दूसरा पीएस, तीसरा आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो चौथा पार्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम पीएच और कंडक्टिविटी पे मेरे काफ़ी वीडियो हैं, 7 to 8 वीडियो हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से है, ठीक है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे भी एक वीडियो है मेरा, तो आप लोग उसका नोट्स देख लीजिएगा जो हमने पढ़ाया है आपको, और इस वीडियो का हेल्प लेकर के आप लोग करिएगा। इसमें एक टॉपिक पे हमने वीडियो नहीं बनाया है जो आपका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस पर हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे इसमें लैम्बर्ट्स लॉ होगा तो उसका फार्मूला, आपका उसमें ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एंटी होते हैं, ये सब आप फार्मूला देख लीजिएगा। और अल्ट्रावायलेट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर, सेकंड पेपर पे मेरा 2-3 वीडियो है, यूनिट प्रोसेस करके नाम से 2 वीडियो है और एक आपका हैलोजिनेशन पे है। तो इसको आप पढ़ने के लिए पहले क्या करिएगा, सिलेबस में जैसे नाइट्रेशन लिखा है, सल्फोनेशन लिखा है, हैलोजिनेशन लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है, एल्काइलेशन लिखा है, हाइड्रोजिनेशन लिखा है और एस्टिफिकेशन लिखा हुआ है। तो इसमें इसका पहले आप मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रोफाइल हैं जैसे नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 प्लस है, हैलोजिनेशन का Cl प्लस है, ठीक है। तो ये सब आप पहले ध्यान में रखिएगा, यानी इनका मैकेनिज्म में जो मेन स्टेप फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और नाइट्रेशन जैसे नाइट्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, है ना, सल्फोनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और जो सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक लिखा हुआ है कि इसी को प्रिपरेशन, इसी की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, तो उसका रिएक्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये मतलब ये बनता कैसे है, ठीक है। ये सेकंड पेपर का आइडिया है। थर्ड पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे पेट्रोलियम है, आपका केमिकल्स फ्रॉम मीथेन है, इन दोनों पर मेरा वीडियो है, ठीक है। फर्टिलाइजर पे भी मेरा वीडियो है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल वीडियो पे ही डिपेंड रहिए, आप मेरा नोट्स और वीडियो दोनों कंबाइन करके अगर पढ़ते हैं तब आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पेपर पल्प है, पेपर पल्प की मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो जो स्टेप हैं, सोडा पल्प, सल्फाइड पल्प, ये सब आप ध्यान रखेंगे। सोप डिटर्जेंट अगला चैप्टर है, तो सोप का जो रिएक्शन होता है, कुछ हार्ड सोप होते हैं, कुछ हार्ड सॉफ्ट सोप होते हैं, डिटर्जेंट में केटायनी, केनायनिक, एम्फोटेरिक, ये सब चीज़ें उसमें है लिखा हुआ है, तो उनके मेन रिएक्शन को ध्यान में रख करके पढ़िए। कॉस्मेटिक परफ्यूम पे मेरा कोई वीडियो नहीं है, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में पढ़ाया हुआ है, जैसे क्रीम कैसे बनता है, टूथपेस्ट कैसे बनते हैं, इसके के कंपोजिशन है, ये सब उसमें पूरा डिटेल में, तो इसको आप हमारे नोट से पढ़िए। फिर आपका जो केन शुगर की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आप एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि जैसे उसका जो सल्फोनेशन मतलब उसका जो मैस्क्यूटिव ए है उसमें शुगर का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। और उसका जो कैलरीफिकेशन प्रोसेस होता है कार्बोनेशन सल्फाइटेशन मेथड से होता है, तो ये सब। और मोलेसिस इसमें टॉपिक है, मोलेसिस में स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, और मोलेसिस में जैसे आपका ये शुगर से एथिल अल्कोहल बनाते हैं तो किस एंजाइम का यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग थोड़ा मेरे नोट्स से देख करके बढ़िया से पढ़िए। भगवान भोलेनाथ का मास चल रहा है और इसलिए आप लोग भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। और हम आई होप आप लोगों का, आप सभी लोगों का पेपर कल जो है काफ़ी अच्छा होगा, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।